सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, इस समय हम दिवाली डेकोरेशन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्पोजल की मदद से बहुत ही खूबसूरत सी लाइट्स आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें कुछ इस प्रकार के डिस्पोजल ले लेने होंगे। दोस्तों, इस डिस्पोजल को अगर आप खरीदेंगे तो ₹1 का ही आपको बहुत ही आराम से किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इस डिस्पोजल को लेने के बाद इसे बीच में से दो टुकड़ों में कर लेना होगा। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्पोजल को बीच में से कट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया है व्हाइट सीमेंट, आप चाहें तो ब्लैक सीमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने डिस्पोजल को कट किया था, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें इस टाइप की परत बनी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, इस परत को भी बाहर निकाल देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी इस परत को भी यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्पोजल के नीचे के हिस्से की परत को भी हटा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा वाइट सीमेंट और यहाँ पर हमें इसको मिक्स करना होगा। इसके बाद दोस्तों, हमें लेना होगा पानी और हमें इसमें पानी को मिक्स करना होगा। याद रखें दोस्तों, आपको इसे ज्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे जल्द से जल्द बनाना है। तो हम इसे पानी से ज्यादा पतला नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारा मिक्सर बनकर रेडी हो चुका है। हमें करना क्या होगा, जो हमने थर्माकोल के पीस को दो टुकड़ों में अलग अलग किया था उनको लेना होगा और इसके अंदर हमें इसको भर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसको भरकर इसमें दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, हमने इसको बना लिया है। और इसके बाद हमें करना क्या होगा, इस तरीके का एक पाइप लेना होगा। और ये दोस्तों पाइप आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये पाइप लेने के बाद हमें इसमें बीच में इस तरीके से लगा देना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें बीच में इस तरीके से इस पाइप को लगा देना होगा और इसको अच्छी तरीके से फुल करके इसे सूखने के लिए रख देना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जितनी भी यहाँ पर लाइट बनाने वाला हूँ उतने ही ये पीसेस इस तरीके के कट करके इसको भरकर और सूखने के लिए रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमें 10-15 मिनट के लिए इसको धूप में रखना होगा, या फिर आप इसे छांव में भी रख सकते हैं। और इसके बाद हमें इसके ऊपर की परत उतारनी होगी, क्योंकि इसे सूखने में काफी टाइम लगेगा अगर ये वाली परत चढ़ी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे सूखने के लिए रख देते हैं और इसके बाद हम आगे की प्रोसेस को करते हैं। अब दोस्तों, हमने इसको धूप में सुखा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बनाए हैं, फिलहाल मैं आपको 2 ही दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हल्के हल्के इस तरीके से ये जो हमने पाइप लगाया था इसको निकाल लेना होगा। पाइप को निकालने के बाद आप देखेंगे मैंने इसमें बीच में एक होल रखा है। और इसके बाद दोस्तों, जो ये डिस्पोजल का हमने हिस्सा काटा था उसको भी इस तरीके से निकाल देना होगा। अब दोस्तों, जैसे कि हम डिस्पोजल को अलग करते हैं तो ये इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम इसे मतलब सर थोड़ी सी पॉलिश वगैरह करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना ये ऐसे भी ठीक रहेगा। तो ये अभी थोड़ा और सूखेगा और इसके बाद हम दूसरे हिस्से को भी निकाल लेते हैं। अब दोस्तों, हमने ये क्यों बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा जो हम जो लाइट बना रहे हैं उसका नीचे का हिस्सा भारी होना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने इसको बनाया है। इसके बाद दोस्तों, हमें इस तरीके के पाइप लेने होंगे। तो दोस्तों, इस तरह के पाइप कहाँ पर मिलते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें इस तरीके की RGB LED लाइट्स लेनी होंगी। ये भी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, और बहुत ही सस्ती मिल जाती है। और इसके बाद दोस्तों, हमें इस तरीके का वायर लेना होगा और वायर को हमें इसमें इस तरीके से बाहर की साइड में निकाल देना होगा। और इसके बाद दोस्तों, हमें करना क्या होगा, ये जो हमारी LED लाइट्स है इसमें हमें सोल्डरिंग कर लेनी होगी। तो प्लस और माइनस वाले वायर का आपको ख्याल रखना होगा।
अब दोस्तों जैसे कि हमने एक वायर में सोल्डरिंग कर ली है तो यहाँ पर हम टेप लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें दूसरे वायर में भी सोल्डरिंग कर लेनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमने तीन लाइटें रेडी कर ली हैं। हमने इसे पाइप में फिट कर दिया है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा भी बना सकते हैं। और इसके वायर जो है हमने नीचे से निकाल लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम डिस्पोजल की लाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें डिस्पोजल लेने होंगे। तो यहाँ पर हमने तीन लाइटें बनानी है तो हमें तीन डिस्पोजल लेने होंगे। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, चलिए मैं आपको एक पाइप लगाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पाइप है हमें लेना होगा और इस तरीके से रखने के बाद इसको इस तरह से मोड़ना होगा और यहाँ से इस तरीके से हमें मोड़ देना होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ग्लू या फिर फेविक्विक तो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम फेविक्विक लगाएंगे तो ये थर्माकोल है और बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ग्लू का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्लू लगाना होगा। ग्लू लगाने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर इस तरीके से इसको बीच सेंटर में लगा देना होगा। तो गाइस जैसे कि आप देखेंगे हमने डिस्पोजल के अंदर पाइप लगा दिए हैं और हमारे एलईडी लाइट्स भी इनमें फिट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमने वीडियो के फर्स्ट में ही जैसे कि मैंने आपको सीमेंट के कुछ इसी प्रकार के बनाकर दिखाए थे तो हमें ये लेने होंगे। तो हमने ये पाइप इसीलिए लगाया था ताकि हमारा ये नीचे अच्छे तरीके से फिट हो जाए। तो हमें करना क्या होगा, जो नीचे का वायर है हमें इसमें इस तरीके से इस वायर को निकाल देना होगा। वायर को निकालने के बाद दोस्तों ये पाइप हमारा अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जगह भी छोड़ दी थी ताकि हमारा वायर यहाँ से निकल जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे सो गाइस यहाँ पर ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है और ये जलने के बाद काफी अच्छा दिखाई देगा। तो चलिए मैं और दोनों को भी इसमें फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये खूबसूरत सी लाइट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हमें इसमें वायरिंग करनी ही बाकी है। तो वायरिंग करने का सिंपल तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो प्लस वाला वायर है वो हमें इसके प्लस वाले से कनेक्ट करना होगा और इसका जो प्लस वाला वायर है वो हमें इससे कनेक्ट करना होगा, यानी कि प्लस और माइनस को आपस में कनेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट का करंट दूंगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले मुझे एक रेजिस्टेंस भी इसमें लगानी होगी क्योंकि हमारी जो एलईडी लाइट्स है वो खराब ना हो, इसके लिए हमें इसमें रेजिस्टेंस भी लगानी होती है। तो चलिए मैं आपको कनेक्ट करके भी इसमें दिखा देता हूँ वायर को और उसके बाद हम इसे जलाकर भी देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सभी वायर को कनेक्ट कर लिया है, चलिए मैं अपनी सभी लाइट्स को ऑफ करके आपको इसको जलाकर दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये उजाले में कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रही है, चलिए मैं सभी लाइट्स को ऑफ करके आपको इसको जलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये लाइट्स अंधेरे में जलती हुई कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगी। तो दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको ये लाइट्स कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से बहुत ही खूबसूरत सी लाइट्स बनाकर आपको दिखा दी है। और दोस्तों हमने इसमें डिस्पोजल का इस्तेमाल किया था और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया था। तो आप भी घर बैठे इस तरीके की खूबसूरत सी लाइट्स दिवाली या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसको ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।